किसान भाइयों मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल कीटों के की नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई है मगर इसके प्रयोग से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जैसे कि इस दवा को कभी भी सब्जियों वाली फसलों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दवा का सिस्टमिक एक्शन होने के कारण इसका असर व जहर 60 से 70 दिन तक फसलों में रहता है इसलिए इस दवा को रिकमेंड सब्जियों में नहीं की जाती है तथा इस दवा का प्रयोग उन्ही फसलों में किया जाना चाहिए जो कि साठ से सा सत्तर दिन के बाद प्रयोग में ली जानी हो वैसे भी इस दवा का रेड लेवल होने के कारण ये कई प्रकार के मित्र कीटों को भी खत्म कर देती है इसलिए इस दवा का कई क्षेत्रों में बैन भी हो गया है और इस इस कारण से इस दवा का प्रयोग केवल उन्हीं फसलों में करना चाहिए जो कि 60 से 90 दिन बाद कटाई या उपयोग में लाई जा सकती हो और बात करते हैं कि धान की फसल में इसका प्रयोग कब करना चाहिए तो इसका प्रयोग तब करें जब धान की फसल 60 से पैंसठ दिन की हो तब लगभग साढ़े तीन सौ से 400 एम प्रति एकड़ इस्तेमाल करने से धान के कई प्रकार के चूसक कीट जैसे की ब्राउन प्लांट हॉपर ग्रीन लीफ हॉपर और चबाने वाले कीड जैसे की स्टैम्प बोरर और लीफ होल्डर कीटों का नियंत्रण हो जाता है और धान की फसल के अलावा आप इसे लंबी अवधि वाली फसलों में जैसे कि आम कपास मक्का गन्ना आदि फसलों में एफिड्स थ्रिप्स पॉड बोरर शॉर्ट बोरर मिलीबग बॉलवॉम माइट्स आदि कीटों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं और किसान भाइयों फसलों पे आप इसकी स्प्रे करते समय कम से कम डेढ़ सौ से दो सौ लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करें और इस कीटनाशक को एक फसल में केवल एक बार इस्तेमाल करना चाहिए और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों बात करेंगे कि आखिर मोनोक्रोटोफॉस है क्या तो मोनोक्रोटोफॉस ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक एंड कॉन्टेक्ट एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड एंड एकसाइड भी है मतलब ये सभी प्रकार के चूसने और चबाने वाले कीड़े और मकड़ी को सीधे संपर्क में आने पर और कीटों के नर्वस सिस्टम पे अटैक करके कीटों को मारता है और मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशक में टेक्निकल की मात्रा है छत्तीस और ये एस एल में आता है एस का मतलब सोल्यूबल लिक्विड और अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट टाइम के बारे में तो इसका रिजल्ट 12 से 15 दिन तक कीटों को कंट्रोल करके रखता है मगर सब्जी वर्ग की फसलों में इसका जहर काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है वैसे तो इस टेक्निकल को ना ही खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये रेड ट्रैंगल की दवा है जो कि बहुत सी स्टेट्स पे यह बैन है मगर अभी भी ये बहुत सी दुकानों पे आसानी से मिल जाती है अगर फिर भी आप इसका, इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे सब्जी वर्गी फसलों पे ना डालें और इसका एक लीटर का पैक आपको साढ़े पाँच सौ से छः सौ रुपये तक का मिल जाएगा तो किसान भाइयों यही सब कुछ था मोनोग्रोटोफॉस कीटनाशक के बारे में और किसान भाइयों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही आपके पास नई नई और समय समय से आपको वीडियो मिलती रहें धन्यवाद